मोहतरम तलबा स्मार्ट यार्ड टेस्ट असबाक की तआरुफी वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो का मकसद स्मार्ट यार्ड टेस्ट पास करने के लिए अहम मुतल्लिका मालूमात हासिल करने में आपकी मदद करना है और आपको स्मार्ट यार्ड के अहाते में मौजूद खतरात से आगाह करना है जो हादसे का सबब बन सकते हैं। आइए पहले स्मार्ट यार्ड के बारे में जानते हैं। स्मार्ट यार्ड टेस्ट के दौरान आप बिना किसी मुमतहिन की मौजूदगी के यार्ड टेस्ट देंगे। इससे आपको अकेले गाड़ी चलाने का एतमाद मिलेगा। इससे बुनियादी इंसानी गलतियों से भी बचने में मदद मिलेगी। ये मुकम्मल तौर पर खुद से दिया जाने वाला इम्तिहान है। स्मार्ट यार्ड टेस्ट में 5 हिस्से शामिल हैं। अचानक या इमरजेंसी ब्रेक लगाना, चढ़ाई या ढलवान, एंगल पार्किंग, गैराज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग। याद रखें, इम्तिहान के दौरान उम्मीदवारों की कुछ खास हरकतें नाइहली का बाइस बन सकती हैं, जिसमें शामिल हैं इम्तिहान के दौरान हिफाजती बेल्ट ना लगाना, इम्तिहान के दौरान दरवाजा खोलना, अचानक एक्सेलरेशन 3000 आरपीएम होना, इंजन 3 बार बंद हो जाना, रफ्तार को 35 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा बढ़ाना, इम्तिहान के वक्त की हद से तजावुज जो 20 मिनट है। इम्तिहान के दिन ये यकीनी बनाएं कि आप मुकर्ररा वक्त से कम अज कम 30 मिनट पहले इम्तिहानी मरकज पहुँचें। टेस्ट के इस्तकबालिया पर अपने लर्नर परमिट और अपने इमारात आईडी दिखाएंगे। जब आपकी इम्तिहान देने की बारी हो तो आपको स्मार्ट गाड़ी की जानिब भेजा जाएगा। मुकर्रर करदा गाड़ी की जानिब एतिमाद के साथ आगे बढ़ें। गाड़ी में सवार होने से पहले अगर आप देखें कि वाइपर विंडस्क्रीन से उठे हुए हैं तो उन्हें नीचे कर दें। गाड़ी के अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दें और यकीनी बनाएं कि बाकी सारे दरवाजे भी ठीक तरह से बंद हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम दरवाजे सही तौर पर बंद हैं, आप डैशबोर्ड में इशारों से जान सकते हैं या पीछे देखने वाले आईनों में देख सकते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले कॉकपिट ड्रिल अंजाम दें। अपनी सीट, स्टेयरिंग, आईनों को झुकाओ पोजीशन में एडजस्ट करें और अपनी सीट बेल्ट लगा लें। गाड़ी की बॉडी, सड़क के निशानात और पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने के लिए दोनों तरफ के आईनों को एडजस्ट करें। कॉकपिट ड्रिल मुकम्मल करने के बाद कैमरा की तरफ अंगूठा दिखाएंगे। इस मुमतहिन से पता चल जाएगा कि आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। Examination started. Please drive to start point. गाड़ी में दाखिल होने के बाद आपको कॉकपिट ड्रिल मुकम्मल करना होगा और तयशुदा इम्तिहानी वक्त के आगाज के 5 मिनट के अंदर अपना इम्तिहान शुरू करना होगा। रिवर्स गियर लगाएं, तमाम आईने चेक करें, अपने कंधे की दोनों तरफ ना नजर आने वाले मुकामात का मुशाहदा करें और हैंड ब्रेक को नीचे कर दें। अगर आपको हैंड ब्रेक को छोड़ने में मुश्किल पेश आई तो हैंड ब्रेक को बटन दबाए बगैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर बटन दबाएं और हैंड ब्रेक को मुकम्मल तौर पर नीचे कर दें। रिवर्स करते वक्त किसी भी मुमकिना खतरा और दीगर ट्रैफिक की निशानदेही करने के लिए पीछे वाली विंडस्क्रीन से पीछे मुड़कर देखें। रिवर्स करने के बाद अपनी गाड़ी रोकें और अपना गियर लगाएं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सूरत में गियर सेलेक्टर को डी पर लाएंगे। एमरजेंसी ब्रेक टेस्ट। एमरजेंसी ब्रेक टेस्ट के लिए पहली सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। This is the emergency brake test. कंप्यूटर की तरफ से एमरजेंसी ब्रेक टेस्ट शुरू करने की हिदायत हासिल करने के बाद रफ्तार में जल्दी से इजाफा करें। आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा और 25 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान होनी चाहिए और आरपीएम 3000 से कम होने चाहिए। अपने स्टेयरिंग व्हील को दोनों हाथों से मजबूती से थामें और बीप की आवाज सुनने के लिए तैयार रहें। जब आप पहली बीप सुनते हैं तो दाएं पांव को तेजी से ब्रेक पैडल की तरफ बढ़ाएं और उसे मजबूती से दबा दें ताकि गाड़ी को मुकर्ररा फासले के अंदर रुकने की जगह पर ला सकें। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो ब्रेक पैडल के बाद क्लच पैडल को दबाएं।
गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोकने के बाद मुनज्जम अंदाज में आहिस्ता से आगे बढ़ें। अगर आपकी रफ्तार 35 किलोमीटर से ज्यादा है या आरपीएम 3000 तक पहुंच जाते हैं तो आपकी गाड़ी झटके से बंद हो सकती है और ऐसा होने पर मुकम्मल नाइहली होगा। किसी भी वजह से इंजन झटके से बंद होने की सूरत में परेशान ना हो और अपना एतमाद ना खोएं। गर सेलेक्टर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे और फौरी तौर पर इंजन को दोबारा स्टार्ट करें। अगर इंजन स्टार्ट ना हो तो आप सीट बेल्ट मत खोलें और ना ही बाहर आने के लिए दरवाजा खोलें, क्योंकि ये रद्द अमल भी आपको इम्तिहान से नाइहल कर देगा। यार्ड के मुंतजिम की मदद हासिल करने के लिए हॉर्न को बजाएं। अगर बीप की आवाज नहीं आती है तो आपको पहली कटी हुई लाइन पर ब्रेक लगाना चाहिए। याद रखें, ये मश्क 90 सेकंड में मुकम्मल किया जाना चाहिए। ढलवान या चढ़ाई का टेस्ट। इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट मुकम्मल करने के बाद ढलवान टेस्ट के लिए दूसरी सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। किसी भी मुमकिना खतरात के लिए चारों तरफ की जांच करते रहें। ढलवान की तरफ जाते हुए मुनज्जम अंदाज में आगे बढ़ें और मुनासिब जाविया में मोड़ मुड़ें। मोड़ में तेज रफ्तार या हरकत में ताखीर से गाड़ी बाढ़ से टकरा सकती है, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग एरिया और बाढ़ के दरमियान फासला कम होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए अमल दरकार है। This is the slop test. ढलवान टेस्ट की हिदायत हासिल करने के बाद सफेद ठोस लाइन से आगे बढ़ें और गाड़ी को सफेद और पीले रंग की लकीर के दरमियान रोकें। गाड़ी रोकने के बाद हैंड ब्रेक को मुकम्मल तौर पर खींचें और अपने पांव की ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, ताकि ये यकीनी बनाएं कि गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। दाएं पांव को एक्सेलरेटर पैडल पर रखें और 1500 आरपीएम तक तेज करें और फिर हैंड ब्रेक को रिलीज करें। मुनज्जम अंदाज में कार को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं। किसी भी वजह से अगर आपका इंजन झटके खाकर रुक जाता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों में मुमकिन है तो हैंड ब्रेक को फौरी तौर पर खींचें, वरना गाड़ी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जिससे पीछे रास्ते में किसी शय या किसी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है। गाड़ी रुकने के बाद गियर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएं और इंजन को स्टार्ट करें। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए अमल दरकार है। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चलाने के लिए दाएं पांव को एक्सेलरेटर पैडल पर मुंतकिल करें और 1500 आरपीएम तक तेज करें और उसे दबाए रखें। आहिस्ता आहिस्ता क्लच पैडल छोड़ें और उसे फ्रैक्शन पॉइंट, जहां से गाड़ी हरकत करना शुरू करती है, तक जाने दें। हैंड ब्रेक को छोड़ें और गाड़ी को मुनज्जम अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं। किसी भी वजह से अगर आपका इंजन झटके खाकर रुक जाए तो हैंड ब्रेक को फौरन खींचें, वरना गाड़ी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और इसके रास्ते में आने वाली किसी शय या दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है। गाड़ी रोकने के बाद क्लच पेडल को दबाएं और इंजन को दोबारा स्टार्ट करें। अहम, ढलान से नीचे जाते हुए ये यकीनी बनाएं कि आपका पांव किसी भी गैर मुतवक्के तसादुम से बचने के लिए ब्रेक पैडल पर है। याद रखें, अगर आपकी गाड़ी 30 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा पीछे जाती है तो उसके नतीजे में ढलवान टेस्ट में फौरी तौर पर नाइहली होगा। मजीद ये कि इस मश्क के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड का वक्त है। बहुत अहम, अगर रफ्तार बहुत ज्यादा है तो कशिश सिकल की वजह से गाड़ी नीचे की तरफ जाते हुए तेज रफ्तार हो सकती है। इससे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और गाड़ी किसी चीज या दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है, लिहाजा हमेशा अपने अतराफ की जांच करें और पांव की ब्रेक के इस्तेमाल से अपनी रफ्तार को कंट्रोल करें। एंगल पार्किंग टेस्ट। ढलवान टेस्ट मुकम्मल करने के बाद एंगल पार्किंग टेस्ट के लिए तीसरी सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। एंगल पार्किंग टेस्ट की जगह की तरफ बढ़ते हुए मुमकिना खतरात के लिए इर्द गिर्द देखते रहें। This is the angle parking test. एंगल पार्किंग टेस्ट की हिदायत हासिल करने के बाद अपनी गाड़ी को सड़क पर बाएं निशानात या लकीर के करीब रखें। आपके टेस्ट का वक्त तब शुरू होगा
जब आप अपने दाएं इशारे को रोशन करेंगे। एक बार जब एंगल पार्किंग की पहली लकीर दरवाजे के लॉक बटन के बिल्कुल ऊपर नजर आ जाए तो स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ मोड़ दें और अपने दाएं कंधे की जांच कर लें ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि कोई खतरा नहीं है। अपनी गाड़ी को मुनज्जम अंदाज में घुमाएं। मतलूबा पोजीशन पर पहुंचने के बाद ड्राई स्टेयरिंग से बचने के लिए अपने टायर गाड़ी की हरकत के दौरान यानी चलते हुए सीधे रखें। गाड़ी को अगली और पिछली लाइनों के दरमियान में और अतराफ की पीले रंग की लाइनों से बचा कर रोकें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए गियर सेलेक्टर को पी और मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की सूरत में न्यूट्रल में करें। हैंड ब्रेक लगाएं। जब आपको सिस्टम की तरफ से पार्किंग से बाहर निकलने की हिदायत मिलेगी रिवर्स गियर लगाएं और हैंड ब्रेक को रिलीज करें। सड़क के दूसरे सारिफीन को अपना इरादा जाहिर करने के लिए सही इशारे को रोशन करें। ना नजर आने वाले मुकामात में होने वाले खतरात को जानने के लिए तमाम पीछे देखने वाले आईने और दोनों कंधों के पीछे की जांच पड़ताल करें। किसी भी मुमकिना खतरे की जांच पड़ताल के लिए पीछे वाली विंडस्क्रीन से मुड़कर देखें। चारों तरफ की जांच करते हुए एक मुनज्जम अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। जब बाएं तरफ का आईना लाइन से गुजर जाए तो स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ मोड़ें। इस मशक के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का वक्त है। गैराज पार्किंग टेस्ट। गैराज पार्किंग टेस्ट में शिरकत के लिए अब चौथे सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। गैराज पार्किंग टेस्ट की जगह की तरफ बढ़ते हुए मुमकिना खतरात के लिए आसपास पर नजर रखें। This is the garage parking test. गैराज पार्किंग टेस्ट शुरू करने की हिदायत मिलने के बाद अपनी गाड़ी को सड़क पर बाएं निशानात या लकीर के करीब रखें। गाड़ी रोकें और रिवर्स गियर मुंतखब करें। दाएं इशारे को रोशन करें और ना नजर आने वाले मुकामात का मुशाहदा करने के लिए तमाम आईने और दोनों कंधों को चेक करें। अपनी गाड़ी को मुनज्जम अंदाज से पीछे लेकर जाएं। जब गैराज पार्किंग की जगह का बायां या दौर का अंदरूनी कोना पिछले दरवाजे की चौथाई खिड़की के किनारे पर दिखाई दे रहा हो तो स्टेयरिंग व्हील को दाएं तरफ पूरा मोड़ दें, जबकि बाएं कंधे की तरफ देखते हुए तस्दीक करें कि कोई खतरा नहीं है। जैसे ही कार पार्किंग के अंदर पोजीशन हो जाएगी, ड्राई स्टेयरिंग से बचने के लिए चलते हुए अपने टायर सीधे रखें। साइड की पीले रंग की लकीरों से बचते हुए गाड़ी को अगली सफेद और पीछे पीले रंग की लकीरों के बीच में रोकें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए गियर सेलेक्टर को पी में और मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की सूरत में न्यूट्रल में मुंतकिल करें। हैंड ब्रेक लगाएं। एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग बे। सिस्टम की जानिब से पार्किंग बे से बाहर निकलने की हिदायत हासिल करने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों के लिए गियर सेलेक्टर को डी में मुंतकिल करें। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की सूरत में पहला गियर मुंतखब करें। हैंड ब्रेक नीचे करें। सड़क के दूसरे सारिफीन को अपना इरादा जाहिर करने के लिए सही इशारे को रोशन करें। अपने बाएं आईने और कंधे के ऊपर भी चेक करें। किसी भी मुमकिना खतरे के लिए चारों तरफ की जांच करते हुए एक मुनज्जम अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। जब आपका कंधा बाएं सिम्त की लाइन से गुजर जाए, दाएं तरफ पीले रंग की पार्किंग लाइन को छूने से बचने के लिए दाएं तरफ के आईने में देखते हुए स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ मोड़ें। इस मशक को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के वक्त की इजाजत है। पैरेलल पार्किंग टेस्ट। आखिर में पैरेलल पार्किंग टेस्ट लेने के लिए पांचवे और आखिरी सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। पैरेलल पार्किंग टेस्ट की जगह की तरफ जाते हुए मुमकिना खतरात के लिए आसपास नजर डालें। This is the parallel parking test. सिस्टम से पैरेलल पार्किंग शुरू करने की हिदायत मिलने पर अपनी गाड़ी को दाएं तरफ पीले रंग की लकीर के करीब रखें। रुकने के बाद रिवर्स गियर मुंतखब करें और दाएं इशारे को रोशन करें। ना नजर आने वाले मुकामात का मुशाहदा करने के लिए तमाम शीशे और अपने कंधों की दोनों समतों में चेक करें। पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए पीछे वाली विंडस्क्रीन पर नजर डालें। अच्छे कंट्रोल को बरकरार रखते हुए
गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेकर जाएं। जब दाएं तरफ की पीले रंग की लकीर दाएं तरफ के आईने में गायब हो जाएगी तो बाएं कंधे को चेक करते हुए स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ मोड़ें। स्टेयरिंग व्हील को लॉक करें जब तक कि आप अपने बाएं तरफ के आईने में मुतवाजी पार्किंग की जगह के अंदरूनी कोने को देखें। अब स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाएं तरफ मोड़ें और जब तक गाड़ी सीधी हालत में ना हो उस वक्त तक उसे मोड़े ही रखें। किनारों की लाइनों से बचते हुए गाड़ी को अगली और पीछे पीली लकीरों के दरमियान में रोकें। गियर सेलेक्टर को पी में शिफ्ट करें और हैंड ब्रेक लगाएं। एग्जिट फ्रॉम द पार्किंग बे। पार्किंग के अहाता से बाहर निकलने की हिदायत मिलने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों के लिए गियर सेलेक्टर को डी में शिफ्ट करें और मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की सूरत में पहला गियर मुंतखब करें। हैंड ब्रेक नीचे कर दें। सड़क के दूसरे सारिफीन को अपना इरादा जाहिर करने के लिए बाएं इशारे को रोशन करें। ना नजर आने वाले मुकामात का मुशाहदा करने के लिए तमाम पीछे देखने वाले आईने और दोनों कंधों के ऊपर से देखें। स्टेयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाएं तरफ मोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें जब तक कि आप बाएं तरफ के आईने में पीछे वाली पीली लाइन का अंदरूनी कोना ना देख लें। इसके बाद स्टेयरिंग व्हील को दाएं मोड़ें जबकि गाड़ी को महफूज तरीके से चलाते रहें जब तक कि वो सीधी सिम्त में ना आ जाए। इस मश्क को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त है। अगर आपके टायर किसी भी पार्किंग लाइन को छूते हैं तो उसके नतीजे में इस मखसूस पार्किंग के टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। सड़क पर आने के बाद इख्तामी जगह की तरफ बढ़ें और गाड़ी को आराम से रोकें। The test has finished. हैंड ब्रेक को खींचें और गियर सेलेक्टर को पी में शिफ्ट करें। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों की सूरत में गियर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे। सिस्टम से ये हिदायत मिलने के बाद कि टेस्ट खत्म हो चुका है अपने सीट बेल्ट को खोलें, दरवाजा खोलें और गाड़ी से बाहर आ जाएं। एक बार जब आपका इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो आप नतीजा हासिल करने के लिए इस्तकबालिया पर जाएं। RTA स्मार्ट यार्ड टेस्ट पास करने के बाद आप ड्राइविंग असबाक के अगले मरहले में आगे बढ़ सकते हैं। एक्सलेंस ड्राइविंग आपको हमारे साथ सफर के दौरान नेक तमन्नाएं देता है।